Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing absolutely fine. तो अभी लॉकडाउन का टाइम है और हम अपनी गैलरी में देख रहे थे तो कुछ ऐसी यादें थी तो मैंने सोचा आप लोगों को वो बतानी चाहिए. This is a small part of my life और हाँ उसकी लाइफ की भी है. वो ऐसे कह रहा है मेरी लाइफ भी है भाई, मेरी बंदी और तू बता रहे स्टोरी, तो वो उसकी लाइफ की भी कहानी है. तो होप आपको ये कहानी अच्छी लगेगी. आओ कर दे एक बार इधर. हाँ तो बस आप ये कह रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना चैनल को. कहानी है कमांडर की लाइफ में उसकी कमांडरी की, तो होप ये आपको अच्छी लगेगी. तो स्टे ट्यून गाइस. इसकी कुछ क्लिप कट गई थी और कुछ क्लिप मेरे साथ थी, तो मैंने सोचा जो मेरे साथ है उनको आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए. तो होप आपको ये पसंद आएगी और वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब दिस चैनल. तो दिस इज अवर स्मॉल ब्रेक, चाय ब्रेक आफ्टर दी After completing 130 kilometer. So guys, and he is like cozy. यही खा रहा है. तो guys हम सोच रहे हैं इसको बिस्कुट दे दें, लेकिन बिस्कुट बच्चे के लिए काफी वो होते हैं. हाँ very friendly too. And I guess ये ट्राई कलर में देखो, वायलेट थोड़ा सा ब्राउनिश आ रहा है यहाँ पे. और जैसे ही हमने बाईपास मतलब हाईवे छोड़ा था उसके बाद जो इतना गंदा रास्ता है ना, इसको भी ड्राइविंग का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है. जरा गियर ही बदलता रह रहा है. पहले दूसरे में चल रही है ना, पहले दूसरे में गाड़ी चल रही है. पहले हांसी जींद और करनाल हिसार से जींद और हांसी फिर वो कैथल वाला ले लेते, मगर वो किलोमीटर ज्यादा पड़ जाते हैं भाई साहब. ये जो 80 किलोमीटर ज्यादा था ना, जो 80 किलोमीटर बचा रहे हैं ना, वो इतने कोचे बच रहे हैं ना, क्या बताएं आपको. इतना ज्यादा दुख हो रहा है हमें कि हमने 80 किलोमीटर बचाए. इतना गंदा रास्ता है मतलब ट्रैफिक के आगे. ये देखो ये जो दिख रहा है ना तुमको ट्रक, ये कम से कम 4 किलोमीटर हो गए हमारे आगे चलता जा रहा है और ओवरटेक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है. बदल अपना सो गया है पीछे पिछली सीट के ऊपर और पहले दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है और कहीं जाके अब इसने ओवरटेक मारा इस ट्रक से और ये ट्रक से इसने ओवरटेक मारा है और हमने भी इस ट्रक के पीछे पीछे ओवरटेक मार लिया है. लेकिन आगे से एक और आ गया, लेकिन इससे ओवरटेक जब मारेंगे ना तब आएगा मजा. लेकिन मारने नहीं रहा क्योंकि आगे से कंटिन्यूसली ट्रक पे ट्रक आते जा रहे हैं और ये बंदा पेड़ काट रहा है, पता नहीं क्यों काट रहे हैं. और ये पेड़ काट रहे हैं, पता नहीं क्यों काट रहे हैं, लेकिन काट जरूर रहे हैं. ये साइड के अंदर से पूरा गंजा करती है. और फाइनली हमने ओवरटेक मार लिया अपनी फुल कवर, धन्यवाद ने ओवरटेक मारने दिया हमको. और बादल अपना सो गया है किलोमीटर के बाद में ओवरटेक. और ये बीच में बंदर आए हुए हैं आराम से. रही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो बीच में जैसे गाय आ जाती है कि जानवर आ जाते हैं, कोई भी जानवर आ जाते, जैसे बंदर आ जाते हैं, कभी कोई कुत्ता आ जाता है, तो ये गाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका अपन ध्यान रखें, ना कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उनके लिए तो ये रोड और ये जो हाईवे है ये उनके लिए नहीं है, अपन ने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये हाईवे बनाए हैं. तो उनको ये कुछ नहीं पता है कि हाईवे यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं. उनके लिए तो ये जंगल होता था पहले, तो अपन ने जंगल के बीच में से रास्ता बनाया. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी जान का हमेशा ध्यान रखा जाए. तो प्लीज़ गाड़ी को मतलब तेज चलाइए, लेकिन पूरा फोकस में रह के चलाइए कि आगे जो आ रहा है तो धीरे कर लो एक बार. कोई इतना नहीं है तुम कोई प्रधानमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री को भी धीरे चलानी चाहिए. स्लो हॉर्न. और फिर हमने अब आ रहे हैं, अब हमें शायद तक राइट मोड़ना है यहाँ से. हमें यार अब करनाल के लिए 70 किलोमीटर बच रहे हैं यहाँ से. और भाई साहब जो ये रोड था ना हिसार से लेके यहाँ तक का, इतना घटिया रोड था ना, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक, गाड़ी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड गियर के ऊपर जा ही नहीं रही थी. और भाई साहब और स्पीड थी 40 के नीचे रखी हुई थी स्पीड. तो इतने जो ओवर को 10 बज गए, 10:22 हो गए हैं, तो हम हिसार में पहुंच गए थे कम से कम 8 बजे के आसपास पहुंच गए थे. और उसके बाद जो हमारी बैंड बजी है हिसार से निकलते करनाल के बाईपास के लिए, भाई साहब 8, 9, 10 दो घंटे लग गए हमें. तो ये वाला रूट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा. भाई सपनों में चाय मार रही है, सारे फ्लाइंग बीस्ट है क्या? क्या हुआ? ए चल मैं मोटा करूं तो ना
गाड़ी चला लियो ठीक है। चल 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 हाँ आन दे ये अंकल रॉन्ग साइड में आन दे चल बादे चल 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 देखे चोट लगा देख रहे ये देख रहे तो ये होते हैं वो बदर प्राणी जो लड़कियों को छेड़ते हैं। Finally got them, the Niba Nibi, Niba, Chhapri boy. वापिस पता नहीं कोई एक शहर में घुस चुके हैं। शहर का नाम क्या है? करनाल के अंदर ही हैं हम अभी। और करनाल के अंदर घुसने के बाद हमें पता चला ट्रैफिक में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे तो एक और दो गैर में चल रही है, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बट द बेस्ट पार्ट इज जो हम एकदम वो हरियाली के बीच में आए थे ना, वो सबसे ज़्यादा मजे वाला पार्ट था अभी तक का। और अभी हम पूरा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एग्जॉस्टेड। हाँ बस यही है कि जल्दी से पहुँचे, अब जल्दी से ले और फिर जल्दी से घर जाएं। एंड आई गेस ये सबसे पॉश इलाका है क्योंकि यहाँ पे कोठियाँ बनी हुई है काफ़ी।